क्लीनिंग के लिए आप हमेशा सॉल्यूशन यूज़ करें ताकि ट्रिमिंग, वैसे बीगल को ग्रूमिंग की ज़रूरत नहीं होती है बेसिकली। हेलो फ्रेंड्स, विद न्यू वीडियो ऑफ मफिन। और आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हाउ टू टेक केयर ऑफ योर बीगल डॉग। सो बेसिकली सभी को ही पता है मॉनसून इज ऑन द डोर, और ऐसे जब सीज़न चेंज होता है तो डॉग्स काफ़ी ज़्यादा श्रेड करते हैं, स्पेशली बीगल। बीगल तो पूरे साल श्रेड करते हैं, पर जब चेंज होता है मौसम तो ये ज़्यादा श्रेड करते हैं। सेम वे मफिन भी आजकल कुछ ज़्यादा ही श्रेड कर रही है। सो हाउ यू कैन मेंटेन द कोट ऑफ द बीगल, और इनकी कैसे प्रॉपरली आप केयर कर सकते हैं, ये सारे चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। सो लेट्स बिगिन। पहला जो है वो है ब्रशिंग। अपने डॉग को आप 2 से 3 टाइम वीकली ब्रश कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हैवी ज़्यादा हो रहा है इनका श्रेडिंग, सो दिन में 2 बार आप इनको ब्रश करें। इनका जितने भी कच्चे बाल होते हैं जो निकलते हैं कोट के ऊपर से, उनको आप आराम से पहले हाथ से रब करें, उसके बाद कोम से उन्हें नीचे गिरा सकते हैं या उन्हें प्रॉपरली कोम करके आप निकाल सकते हैं। सो ऐसे इनकी श्रेडिंग भी कम होती है, प्लस इनका जो कोट है वो मेंटेन रहता है। सेकंड इज बाथिंग। फ्रीक्वेंट बाथ अगर आप देते हैं अपने बीगल को तो वो ना करें, ऐसे उनकी स्किन जो है ड्राई हो जाती है और ऐसे उनका कोट बहुत जल्दी श्रेड करता है और स्किन ज़्यादा अच्छी नहीं रहती है। सो जैसे कि बीगल है, उनका वैसे भी ग्रूमिंग की इतनी नीड नहीं होती है, तो आप अराउंड मंथ में 2 बार इन्हें बाथ दे सकते हैं, सफिशिएंट होता है। और बाथ देने से पहले कोशिश करें कि इन्हें ऑयल लगाएं और 2 घंटे के लिए वो ऑयल छोड़ दें ताकि वो अब्जॉर्ब कर लें। जब आप इन्हें नहलाएंगे तो ऐसे स्किन भी ड्राई नहीं होगी, प्लस ऑयल से इनको नरिशमेंट मिलेगा। इनकी कोकोनट ऑयल बेस्ट होता है इनके लिए, और कोकोनट ऑयल से शाइनी रहती है इनका कोट और हेल्दी रहता है द फेस। जैसे कि मैंने अपनी एक वीडियो में बताया है हाउ टू बेथ अ बीगल, तो आप अवॉइड करें कि किसी भी तरह का शैम्पू वाटर इनके फेस पे लगे, आइस को कुछ भी नुकसान हो, इस चीज़ को आप अवॉइड करें। फेस आप जो है वाइप कर सकते हैं, वाइप से डॉग वाइप्स आते हैं, ऑनलाइन भी आप चेक कर सकते हैं इनफैक्ट, उससे आप इनका फेस वाइप करें। डोंट यूज़ सोप, कोई भी सोप यूज़ ना करें, ना इनका शैम्पू यूज़ करें इनका फेस क्लीन करने के लिए। फोर्थ पॉइंट इज़ ईयर क्लीनिंग, और इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई है इनफैक्ट, कि आप अपने बीगल के कान कैसे साफ़ कर सकते हैं, प्लस बात जब आप देते हैं तो इनको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो जब भी आप अपने बीगल को नहलाएं तो आप हमेशा उनके कानों के अंदर कॉटन डालें अच्छे से, ताकि इनके कानों के अंदर पानी ना जा सके। अगर पानी चले जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है इन्फेक्शन होने का पूरा पूरा डर है, प्लस इनकी हेयरिंग में भी थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये चीज़ अवॉइड करें। ईयर क्लीनिंग के लिए आप हमेशा सॉल्यूशन यूज़ करें ताकि इनके ईयर जो है प्रॉपरली क्लीन हो पाए। ईयर वैक्स एक्सेस हो, ज़्यादा हो, तो उसको प्रॉपरली एक कॉटन से साफ़ करें, कॉटन बर्ड लें या कॉटन पैड लें, उससे साफ़ करें आप इनके कान। डोंट यूज़ कॉटन बर्ड्स, वो अच्छे नहीं होते हैं, वो हमेशा इनफैक्ट वो ह्यूमंस के लिए भी अच्छे नहीं होते, डोंट यूज़ देम। वो हमेशा पुश करेंगे अंदर जो भी इनके ईयर वैक्स होगा। सो बेटर है आप कॉटन पैड्स यूज़ करें या कॉटन वाइप्स यूज़ करें। फिफ्थ इज टोनेल्स। अगर आपको लगता है आपके बीगल के नेल्स क्लिक कर रहे हैं फ्लोर के अगेंस्ट, सो अब टाइम हो गया है उनके नाखून काटने का। बेसिकली आप जो है अपने बीगल के नाखून वीक में 1 बार काट सकते हैं, अगर आपको लगता है कि उनके नाखून ज़्यादा बढ़ गए हैं तब। एंड प्रॉपरली काटिए, क्योंकि आपको पता है कि इनकी नेल्स में भी वेंस होती हैं, सो उस वेंस को बचाते हुए आप काटें। अगर वो कट जाती हैं तो पेनफुल होती है, प्लस ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो जाती है, सो आप ध्यान से उन्हें काटें। रिफ्रेशिंग द कोट। बीगल का कोट हमेशा शाइनी और नीट रहना चाहिए और स्मेल अच्छी आनी चाहिए, क्योंकि यूजुअली
क्या होता है कि डॉग्स के ऊपर से स्मेल जल्दी आने लग जाती है. सो ट्राई टू गिव देम ड्राई बाथ इन एवरी ट्वाइस अ वीक. मैं मफिन को भी ड्राई बाथ देती हूँ ट्वाइस अ वीक, और ऐसे उनका स्किन कोट जो है वो शाइनी रहता है, नीट भी रहता है, प्लस स्मेल जो है फ्रेग्रेंस उनकी अच्छी आती है. सेवन्थ पॉइंट इज ट्रिमिंग. एज यू नो कि बीकल लो मेंटेनेंस होता है, इनकी ग्रूमिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है ज़्यादा, बट आपको लगता है कि इनको ग्रूमिंग की ज़रूरत है या इनके बाल ज़्यादा गिर रहे हैं, तो आप इन्हें ट्रिम करवा सकते हैं. सो हमने कुछ टाइम पहले मफिन को ट्रिम करवाया था, इसके हेयर श्रेडिंग कुछ ज़्यादा हो रही थी. इनफैक्ट हमने डॉक्टर से कंसल्ट भी किया था, उन्होंने बोला था कि ड्यू टू वेदर चेंज हो सकता है कि इसके ज़्यादा बाल गिर रहे हों, बट फॉर आर कन्वीनियंस और थोड़ा इसके जो बालों की ग्रोथ है न्यू होती और अच्छी आए, तो इसलिए हमने इसके बाल ट्रिम करवा दिए थे और वो काफ़ी इफेक्टिव भी निकला. इनफैक्ट इसके जो नया कोट है वो बहुत शाइनी आ रहा है और काफ़ी नीट एंड क्लीन रहता है, और श्रेडिंग थोड़ी कम है पहले से. सो दीज वर सेवन पॉइंट्स, और इसको आप कंसिडर कर सकते हैं प्रॉपरली. और दिस वॉज ऑल अबाउट हाउ टू केयर फॉर अ बीगल डॉग, एंड होप सो यू लाइक द वीडियो. और सारे पॉइंट्स जितने भी हमने वीडियो में बोले हैं वो आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे. नाउ वी आर सेइंग बाय, एंड डोंट forget to subscribe the channel, like the video, share the videos with your friend and your family, and also don't forget to hit the bell icon. Aur muffin ka ho raha hai sone ka time. Now we are saying bye.